हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टेनोविद अरिहंत पर स्वागत है। आज से हम एक नई पुस्तक आनंद मासिक पत्रिका को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिदिन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महोदय, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का राजकाज उसकी जनता की भाषा में हो। इस उद्देश्य से और राज्यों के बीच संपर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व भारत की संविधान सभा द्वारा 1950 में हिंदी को सौंपा गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है तथा इसके साथ भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। उस समय यह अनुभव किया गया था कि हिंदी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण, प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिंदी प्रशिक्षण और हिंदी टाइपराइटरों एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि। इस बारे में सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और उनका परिणाम भी अच्छा निकला है। इसके साथ यह भी अनुभव किया गया था कि हिंदी को सरल भाषा बनाया जाए। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 और राजभाषा नियम 1976 को लागू किया गया, जिससे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अधिकतर हिंदी में प्राप्त पत्रादि या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अहिंदी भाषी सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसकी भाषा बहुत ही सरल और वाक्य रचना सीधी सादी है। प्रशासन में इस योजना तथा कुछ अन्य योजनाओं के कारण हिंदी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। सरकार ने हर वर्ष हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बना दिया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरल भाषा का होना और यांत्रिक सुविधाओं का दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए देवनागरी टाइपराइटरों और कंप्यूटरों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिंदी कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए ऊंचे स्तर पर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। हिंदी सलाहकार समिति बनाई गई है। बड़े बड़े नगरों में नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। महोदय, हर कार्यालय, मंत्रालय, विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जैसे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसकी पूर्ति के लिए 27 अप्रैल 1960 को राष्ट्रपति ने यह आदेश जारी किया कि सरकारी कार्यालयों आदि में जिन अधिनियमों, सांविधिक, असांविधिक संहिताओं, नियमों, पुराने रजिस्टरों तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य सामग्री का अनुवाद विधि विभाग के राजभाषा खंड द्वारा और गैर सांविधिक प्रकार के अनुवाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं, अस्थाई प्रकार की सामग्री जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, संसद के समक्ष प्रस्तुत होने वाली सामग्री व रिपोर्ट आदि के अनुवाद की व्यवस्था संबंधित मंत्रालयों व विभागों द्वारा की जाती है, ताकि भाषा के स्वरूप को सुनिश्चित, सुबोध और सरल बनाया जा सके। अनुवाद अपने आप में कठिन प्रक्रिया है, इसलिए इस प्रक्रिया को कई हाथों में जाने से बचाया गया है, जिससे भाषा की एक रूपता तथा सरलता बनी रहे। इसके लिए प्रशासनिक शब्दों का मानकीकरण किया गया है। इसके लिए वहां हिंदी अधिकारियों तथा अनुवादकों की व्यवस्था की गई है। सभी मंत्रालयों, विभागों तथा बड़े बड़े कार्यालयों में अनुवाद की समुचित व्यवस्था हो चुकी है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद प्रशिक्षण का भी पाठ्यक्रम चालू किया है। उसने प्रशिक्षण का स्तर ऐसा बनाया है जिससे कि अनुवादकों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। हमें अनुवाद के द्वारा हिंदी में काम करने वालों को प्रोत्साहित करना होगा। यह तभी हो सकता है जब अनुवाद में सरलता, स्वाभाविकता, स्पष्टता आदि हो। संसार में वही भाषा आगे बढ़ सकती है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्दों को पचाने की शक्ति होती है। हिंदी को समृद्ध तब ही बनाया जा सकता है जब उसमें अन्य भाषाओं को पचा लिया जाए। इसलिए अनुवादकों को इन बातों का ध्यान रखना होगा। अनुवाद कार्य जटिल है, इसलिए यदि अनुवाद के बजाय हिंदी में सोचना आरंभ किया जाए और फिर अपने विचारों को प्रकट किया जाए तो इससे कुछ हद तक समस्या सुलझ सकती है, जिससे वाक्य रचना सीधी सादी होगी। यदि अनुवाद बिना सोचे समझे या अक्षरशः किया जाए तो उससे अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग संबंधी नीति का पालन करें और जो लक्ष्य निश्चित किए गए हैं उन्हें प्राप्त करें। इसके लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना होगा। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं उससे प्रसन्न
नहीं हूँ। वस्तुतः मैं अत्यधिक दुखी हूँ। बंगाल के लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान और प्रसन्नता का भाव है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास में इन्होंने अपूर्व और विशिष्ट भूमिका निभाई है। स्टॉप। आपको डिक्टेशन कैसी लगी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।